लॉकडाउन के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मेरठ में पुलिस ने एक एम्बुलेंस पकड़ी है जिसमें नंबर प्लेट ही नहीं लगी। वहीं जब पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर भी उल्टा सीधा जवाब देता हुआ नजर आया है, जिसके बाद एम्बुलेंस के मालिक को बुलाया गया। अगर एम्बुलेंस फर्जी तरीके से चलाई जा रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बीच लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं और सड़कों पर घूमने के लिए, अपने काम करने के लिए जो तरीके हैं वो काबिले तारीफ हैं। ऐसे में इन लोगों ने जो दिमाग लगाया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है मेरठ का बेगमपुर चौराहा, अति व्यस्त चौराहा रहता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने लॉकडाउन के बीच इस एम्बुलेंस को पकड़ा है। इस एम्बुलेंस पर आगे पीछे कोई नंबर नहीं है, जबकि इसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है। जो इस गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति था वो हूटर बजाता हुआ तेजी से जा रहा था, लेकिन पुलिस को लगा कि इसके ऊपर नंबर नहीं है, जबकि सायरन बजा रखा है और एक व्यक्ति बैठा है, तो पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने इस व्यक्ति को रोका और पूछताछ की, से जानने की कोशिश की ये कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, किस पेशेंट को छोड़ा है और कहां ये एम्बुलेंस लगी है, किस अस्पताल में लगी है, लेकिन एक भी जवाब जो है व्यक्ति नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को यहीं पर खड़ा करा लिया है और जो व्यक्ति पकड़ा है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके जो एम्बुलेंस के मालिक है उसको बुलाने की जो है कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर एम्बुलेंस कहीं लगी हुई है और एम्बुलेंस किसी काम से आ जा रही थी तो इसको छोड़ा जाएगा, नहीं तो एम्बुलेंस के मालिक, एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस का मानना है और कहना है कि इस लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस, प्रेस और पुलिस, ये तीन लोगों के नाम ले लेकर लोग मिसयूज कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि इस एम्बुलेंस को पकड़े जाने के बाद ये सवाल भी गहरा गया है कि वाकई में ही एम्बुलेंस के माध्यम से लोग निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस एम्बुलेंस के मालिक, एम्बुलेंस और ड्राइवर के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करेगी। कैमरामैन सलमान के साथ मनोहर चौहान।